हम एम साहब को बोले हम किसी को हमारे कोई लीडर नहीं है हमारे एम साहब लीडर हैं उनको बोले साहब तुम टिकट चेंज करो टिकट चेंज करो तो हम कोशिश करेंगे कि बीजेपी भी का आने का अगर से तुम टिकट चेंज नहीं किए और इस कुछ दिए हम पार्टी में रह हम बगावत नहीं करेंगे और अपोजिशन नहीं करेंगे हम बिल्कुल पार्टी छोड़ देंगे और जहाँ जिसके साथ जाना है जाएंगे हम उनको सपोर्ट कर देना है गुलबर्गा से मेरे मेरे पास बारह गाड़ी ये थे वर्चुअल गाड़ी वो नहीं क्या बोलते साहब इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं इन्हें माफिया है ये गुंडा है क्या इसे केसेस रुको इसमें और इन्हें बोगस सर्टिफिकेट पास हुए सो एस एल सी पास हो सर्टिफिकेट बट उस है ऐसे आदमी को तुम सपोर्ट मत करो तुमको अगर कोई उन्हें पैसे देते बोल रहा है तो उस तुम नए पार्टी में नहीं जाने के लिए हम तुमको पैसे दे तो रहे हैं तो कभी देखे क्या तुम्हें ऐसा कटआउट लगाने का टीवी पर बोलने का मैं वो क्या कहूँ ये क्या कहूँ भाई क्या हूँ भाई कहूँ अब उन्हें बहुत शॉर्ट एम्परेशन उसको सह नहीं जाता उन्हें इमीडिएटली अपोज होता हैं इमीडिएटली मंकी देखे मंकी पानी बोलते हैं मराठी में वो क्या बोलता कहते हैं मेरी गांडाल बोलता कहते तो अब उन्हें ऐसा बोलते हैं तो मैं क्या करूँ उसके लिए बोल ले मेरी गाँव डाल पर बोलने दो दिखाओ लोग दो लोगों को बहुत गलती होती है माफी मत तो हमारे लोगों से ये तब हम कभी भी हमारे लोग मत जाओ के साहब को वक्त तो थे ना मीडिया हारा लगाए चप्पल के हार डाले बहुत कुछ कहे है कुछ तो, तो बोले वो तो तब हमको ये लोगों का खरा लगता था लेकिन आज मुझे लग रहा है वही लोग सचते थे करेक्ट थे उसके वो लोगों का मपा हमसे गलती होते सर ये सदाना स्वामी मठ ये हमारी गोस्वी की है उसमें पैसे खा के इन्हीं इनकी बीवी चाहिए थोड़ा ओंधो उसकी बीवी को हम घर को बेचते हैं देखो उसको निकाल रहे हैं पूरा केस उसमें दो करोड़ रुपये गए

एक तरफ जहां पर कांग्रेस और जेडीएस ने अपने पत्ते फेंकने शुरू कर दिए हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में खेल शतरंज के मोहरों की तरह उलझता जा रहा है और इसी खेल को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और आज के इस खास एपिसोड में खास चर्चा होने वाली है और इस चर्चा में हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब सतीश मोड़े साहब जो बसवा कल्याण की सियासत पर काफ़ी पैनी नज़र तो रखे हुए हैं ही और साथ ही में बीजेपी में अभी का, काफ़ी एक अहम किरदार भी अदा कर रहे हैं तो सर मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ और इसी सवाल से शुरू करूँगा कि जहाँ पर एक वक्त ऐसा भी था जहाँ पर पूरी पार्टी एक तरफ खड़ी थी और वहाँ पर शनो सलगर मौजूद थे और आज कई सारे लीडर्स बीजेपी में शर्डो सलगर के खिलाफ नज़र आ रहे हैं तो क्या कुछ बदला है क्या कुछ तब्दीली आई है जिसकी वजह से माहौल बदलता हुआ नज़र आ रहा है भैया बदलाव जो हुआ है ये बेहतर है कि ये क्वेश्चन उनको पूछो अच्छा होता है क्योंकि उनका रवैया ऐसा है जिस आदमी ने अठारह अठारह बीस लोग इस बसोकल्याण में टिकट मांग रहे थे उसमें अठारह में से हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे एमपी साहब उसको उसको टिकट ही नहीं दिए इतने अठारह लोगों के कॉम्पिटिशन में उसको टिकट दिलाए उतना ही टिकट ही दे के चुपेटे उन्हें कैसा जीतता है पूरा जो भी खेल है खेलने का जैसा कि एम जी साहब को पार्टी में लेने का रवि गायकवाड़ को लेने का वहीं जगह आर टी ओ कुमार वाडेकर को लेने का ये जो थे ये बहुत अहम थे जीतने के लिए और कितना चाहे तो भी उन्हें नहीं जीत सकता था अगर मोड़े साहब पार्टी में नहीं आते थे रवि गायकवाड़ नहीं आते थे तो वाडेकर नहीं आते थे एक कहीं हज़ारों वोट से हार जाता था लेकिन ये हमारे एम साहब की भगवंत खुबा की मेहनत और उनका सोच कैसा जीतना पार्टी का कारण कैसा जीतना ये सब उन्हें पूरा खेल उन्होंने खेला और उन्होंने अपने हाईकमांड को तब के मुख्यमंत्री येडियरपा जी को तब के होम मिनिस्टर आज के मुख्यमंत्री बसव बम्बई सब को उनको इंचार लेके आए तब के डिप्टी कमिश्नर लक्ष्मण सौधी को भी लेके आए ये सब उनको बड़ा कैसा कैसा खेल रहा ये उनको लिए और इनकी विक्ट्री इन्श्योर किए इतना ही नहीं कि छोड़े नहीं मैदान में इनको मतलब एक टीम वर्क था कलेक्टिव एफर्ट था पूरा टीम वर्क था ये आया लेकिन ऐसे आदमी को तो आपने देखा होगा लास्ट ईयर तेरह अगस्त को जब आज़ादी का अमृतोत्सव मनाने के लिए एम पी साहब यहाँ आए थे तो आपने ही आपने मीडिया से सब लोगों को मालूम हो गया है कि ये क्या गाड़ी पर पत्थर पत्थर फेंकने का क्या है उनको जो लातों मारने का वही आप थोड़ा सा मामला इलाबरेट करेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था पूरा मामला कुछ ने उनको क्या है गाड़ी उन्हें लेके आए गाड़ी में लोग फुल थे उन्हें मैं बैठना चाहता था गाड़ी में ये उनके लोग एमएलपी सब किसको नौ को बोलते क्यों सभी उनके वर्कर हैं हाँ तो टॉलरेंस है ना उसके पास टॉलरेंस नहीं है हमारे एम साहब के टॉलरेंस नहीं कौम्ब है हमारे इसमें बोलते होम भाई है क्या है तो उसको सहने गया उनके उनके वर्कर्स को भी वो सहने गए अरे हमारे एम एल को तो जगह नहीं मिलती उनके पीछे के बैठने के लिए एम साहब की साजिश है ऐसा कर रहे बोल के वो लोग अटैक किए सिंपल है कुछ नहीं पर जो आदमी को टॉलरेंस नहीं एम बोलते बहुत सोच समझ कर कदम उठाना पड़ता है पेशेंस से रहना पड़ता है वो नहीं है आज नहीं जी आपने अभी जिस तरह से कहा कि एम जी मोले साहब इसमें शामिल हुए संजय कुमार वाड़ीकर ऐसे कई सारे लोगों का कलेक्टिव इफ़र्ट था तो जहाँ पर मराठा कम्यूनिटी ने जब हमने तमाम वाक्य देखा कि किस तरह से एन इलेक्शन के वक्त में कुछ माहिदा कायम हुआ था कि ये फ़लाँ फ़लाँ चीज़ मराठा कम्यूनिटी के लिए की जाएगी इसके बाद ही सपोर्ट हुआ था तो वो क्या कुछ चीज़ें थी और अब तक कितना कुछ हुआ है सब देखिए जो दो तारीख को दो तारीख के पहले दिन हमने मीटिंग रखी थी मुड़े साहब एन में जाने वाले थे एन से पी से भी, भी आया था कैंडिडेट बनने जाते तो उनको मालूम हो गया कि अगर मुड़े साहब कैंडिडेट बने तो हमारे कैंडिडेट हारता है क्योंकि ये उदाहरण दो में जब पी जी सिंधिया साहब आए थे भगवंत खुबा जी अपने मल्लिकार्जुन खुबा जी बीजेपी कैंडिडेट थे और बी नारायण राव कांग्रेस के थे और उसमें मराठों के वोट पीजर सिंधिया लिए इसलिए वहाँ बीजेपी की हार हो गई मराठा वोट चले गए उसलिए वहाँ बीजेपी के हार हुए और बिना चून के आए तो वही सेम सिचुएशन था यहाँ भी अगर से एन सी पी से मुरज साहब आए तो हमारा बीजेपी कैंट हारता है और वो क्या भी करके उसको लेना होता है हम जो मीटिंग बुलाई थी एन में उसमें खुद एम पी साहब और शरण सरगर दोनों भी आए हमारे लोग आपने देखेंगे वीडियो सब कि गो बैक गो बैक गो बैक ऐसा उनको ये किए उन्हें बैठे रहे फिर भी लोग हमारे सुने नहीं बाद में ऐसे उन्हें चले गए तब उनसे चालू हुआ गया तब उनसे फ़ोन आने लगे एड्रोप्पा साहब के वो क्या भी करो मुड़े को पार्टी में ले लो बीजेपी में ले लो क्या भी करो अरुण सिंह के आए फोन सभी लोगों का फ़ोन आया साहब मुड़े साहब को आए चलो तुम्हारा क्या डिमांड है बोलो हम करते हैं तो रात के बारह एक बजे साहब को लेके गए मंडनगर के गेस्ट हाउस में मैं मुझे चलो बोले मैं नहीं आता बोला क्योंकि मैं बीजेपी पार्टी में जाना ऐसा मैं खुद मूड में नहीं था क्या तो उन्हें चले गए तो उनको पूछे कहते भाई तुम क्यों ठहरना चाहते हैं फिर के तुम गिरते हैं गिरने के लिए क्यों ठहर रहे तुम तो वो साहब बोले कि भाई भाई मुझे बी अरोपा साहब ने दो बार धोखा दिया है दो बार मुझे टिकट दे तो बोल के नहीं दिए एम एल सी तो मैंने नहीं किए और मेरे दो तीन करोड़ रुपये खर्चा हो गया उनको कुछ स्पॉन्सर्ड ग्रुप ऑफ आर ओपन फॉर एंड नॉलेज क्रिएटिव स्कूल स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन मॉडर्न एंड डायग्नोस्टिक्स फर्स्ट टाइम इन बसवा कल्याण सिटी थायरॉयड टेस्टिंग मशीन इज अवेलेबल एहसास नहीं है तो इसलिए मुझे इसको हराना है हराने के जरूरत ठहरना है मुझे अरे ऐसा क्यों करते हैं तुम आ जाओ पार्टी में तुम्हारी क्या डिमांड है बोलो हम हम करेंगे तो साहब ने बहुत इससे जितने भी डिमांड थे जैसे कि ये निगम स्थापन करना उसमें बाद तो शाहजी महाराज जो शिवाजी महाराज पिताजी का समाधि है दावणगिर डिस्ट्रिक्ट में उसका डेवलप होना उसे संभाजी महाराज के बड़े भाई का समाधि इसमें कनकगिरी में है कोपेड़ डिस्ट्रिक्ट में उसको डेवलप होना क्या है? और हॉस्टल करना और वो बसरूर में जो शिवाजी महाराज का निवी युद्ध जो हुआ था तो वो भी डेवलप करना ऐसे कई है जो ग्यारह बारह तक तो उन्हें रखे उसको सब ने उन्हें ये बोले ये सब हम करते हैं और एम एल सी बनाते तो बोले यहाँ तक भी हम तुमको इतना करके भी हम चुप बैठने वाले हैं और एम एल सी बनाते हैं तो साहब वो सुन के ठीक है मैं मेरे भाई को पूछता हूँ बोल के उन्हीं घर को आए और सुबह आके मुझे चार बजे उठाए मेरे खुद को और मुझे ऐसा ऑफर दिए कैसा करना मैं क्या बोला कि क्या होलोत तो भी बीजेपी के लिए झूठे होते हैं वो पार्टी में जाने का नहीं अच्छा तो मैं निर्णय दिया वो करेक्ट छः बजे क्या है? हमारे खुबा साहब का मुझे फ़ोन आया खुबा साहब मैं एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़े इंजीनियरिंग तुमकुर में तो वो हक से और शनो सरो मेरे पास था आके बैठा था उन्हें क्या ऐसा ऐसा ला मैसा जो शठान दल था ना साठ दल के बोला तो मैं बोला कि भाई देखो हम एन सी बी एन सी बी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और हम तय किए हैं वो ठहरने का है मेरा दिल भी नहीं है तो एम साहब मोड़ी साहब फोन किए उन्हें क्या बोले कि भाई हमारा भाई तैयार नहीं हो रहा है और मोस्टली मेरा आने का नहीं होता तो उन्हें क्या बोले कि वो एम एल को तो जाओ उनके जाओ के पटाओ उनको कैसा भी पटाओ और उनको तो हो हाँ बोलने के लाओ उन्हें आया मेरा पाँव गिरा सब बात मैं नाच बोलने लगा देखो साहब उन्हें क्या बोले मुझे बोलने बोल रहा हूँ मैं ये हमारे शिवाजी महाराज की कसम खा के वो हमारे लिए भगवान जैसे हैं हमारे दैवत है उन्हें क्या बोले भाई ये बीजेपी में कांग्रेस में क्या है कांग्रेस के सपोर्टर्स मुस्लिम लोग हैं दलित लोग हैं धनगर के लोग हैं कोली लोग हैं जो भी मिलता है इतना बातने में तुमको क्या मिलता है वहाँ यहाँ बीजेपी में ओनली लिंगायत है मराठा दो ही कास्ट है तो जो भी आता है हम फिफ्टी फिफ्टी करेंगे जो फंड आता है फिफ्टी फिफ्टी जो नॉमिनेशन आते फिफ्टी फिफ्टी जो आ, पार्टी में जो भी टॉर्नामेंट करने का है वो फिफ्टी फिफ्टी करेंगे जो भी घर आते फिफ्टी फिफ्टी करेंगे इतना बड़ा तुमको जो बोलो तुमको भी झड़पी की कितने टिकट चाहिए मैं तो दो देने को तैयार हूँ दो झड़पी के पाँच टीपे के तो इसके ऊपर तय हो गया इतना हो के भी नहीं मान रहा था मैं तो बाद में उन्हें हमारे सामने भगवंत कुमार को फोन लगाए साहब उन्हें ना बोल रहे हैं कैसा बोल के उन्हें मेरे उन्हें भी मराठी में बात करते हैं मुझे मराठी बात भी की सतीश ऐसा कारो ऐसा क्यों अरे मुड़े साहब को हम एम बनाते बोल रहे हैं उनको निगम का अध्यक्ष बनाते बोल रहे हैं ये सब करके और तुमको क्या मिलना वाला है तो एक जो अपनापन होता ना क्लासमेट और ये होने के बाद मैं तुम रा, मेरी राय मानो तुम मानो तुम चुप ये करो नहीं नहीं साहब ऐसा नहीं होता जा, जा। जा, जा। क्योंकि एन में हार तो जरूर मुझे मालूम है मेरा भी एक चाल था उसमें एन सी हार के नेक्स्ट एलेक्शन या दो हज़ार का अलायंस करना कांग्रेस के साथ अच्छा। एक सीट एन को छोड़ना ठीक और हम एम को कॉन्टेस्ट करने का नहीं तो एम को करने का वहाँ भी अलायंस कर लेने का हरिद्व परवाने लेकिन आगे अलायंस करने का क्योंकि उन्हें शरद पवार साहब साहब को स्टेट का अध्यक्ष दे रहे थे hmm. पूरा टिकट इनके हाथ में तो हम क्यों आना भाई थोड़ा एक लाख एक करोड़ दो रुपये खर्चा होता है चलो तो उन्हें खुबा ऐसा मत करो बहुत बड़ी गलती होती है मेरा बात सुनो मैं तुमको बात दे रहा हूँ मैं तुमको चेयरमैन दे रहा हूँ क्या है और तुम्हारे शिव सृष्टि का, का ये भी शिव का भी कमेट देखे वो सृष्टि का भी जो भी है जो पैसा देने का है जगह देने का है वो मैं खुद देख लूँगा मैं बात दे रहा हूँ तुमको तुम आ जाओ तो उस बात पे तैयार हो गई अच्छा एम पी साहब की जुबान पर तो एम पी साहब ने कहा एम पी साहब खड़े उतरे उन्हें जो भी वायदे किए थे इलेक्शन में हमको लेते वक्त वो निगम का अध्यक्ष बनाए हमारा सुसृष्टि का जगह दिए दस करोड़ रुपए दिए हमको पहले पचास करोड़ रुपए दिए थे निगम को मराठा निगम को उन्हें खुद एंट्री लेके और ले पचास करोड़ ज़्यादा देने को लगाए और पचास करोड़ अभी दे तो बोल रहे हैं और एक्स्ट्रा तो वो पचास करोड़ और दिए तो हमारे सब जितने लोग अपलिकेशन किए सबको मिलता है तो उन्हें उन, उनकी वजह से हो रहा है सब शिव सृष्टि की स्थापना के मामले में आ, अभी कुछ ऐसी बातें भी सुनने को मिली थी कि जगह तो कहीं और दी गई थी अभी कहीं और उसे शिफ्ट कर दिया गया है मगर इस तमाम मामले में आपको एम की तरफ से कुछ धमकी भी मिली थी तो आ, वो क्या कुछ मामला हो तो उसका क्या है एवलो तुमको में हो गया पंद्रह नवम्बर जी दो हज़ार इक्कीस न को सी साहब आणंद को उमिधान सभा का उद्घाटन किए आए थे तो वो तब एम पी साहब मुड़े साहब और एम एल ए सरण सोन तीनों मिलकर जाके ये जो सस्तापुर की जगह है हमारे हाईवे को लग के वो जगह पर उनको साइन कर लिए थे वो वहीं डी सी को उन्हें रिकमेंड किए वहाँ आठ एकड़ जगह देना बोल के तो हम और उन्हें खुद एम एल ए साहब हमको सबको जाके दिखाया यहाँ तक लातूर महाराष्ट्र में लेके कर जाए मैं ऐसा करवाऊँगा हाईवे के ऊपर कि तीन स्टेट के लोग देखना ऐसा कहीं भी नहीं होना तब ये था लेकिन अंदर ही कहाँ क्या हो गया क्या नहीं मुझे मालूम नहीं मुझे मालूम नहीं वो क्या हो गया है क्या नहीं बाद में उन्हीं के आगे मुखर गए और वो इरडी के सर्वे नंबर में जगह दे दिए तो 19 तारीख फेबर 19 को जगह दिए बोल के चल ये होता तो हमारे लोग सभी हमारे जो लोग थे ना उन्हें बोले कि साहब मेरे साहब जगह दिए और तुम आ जाओ जल्दी फटाखड़े सामने लेके मैं उनको एक ही बोला मैं आने तक तो फटाकड़े एग्जूमर नहीं मारने का नहीं क्योंकि मुझे थोड़ा स्मेल आ रहा था ये जगह चेंज किए बोल के मैं देखता हूँ आके वो जगह कहाँ दिया है तभी फटाखड़े मारने का तब मैं आया देखा वो रेंडी में था मैं सभी को कोई फटाड़े मारने का नहीं और वही दिन मैं बहुत गाली दिया उनको ओपन एम को ओपन वही क्या बहुत गाली देखता हूँ मैं इतना यहाँ तक के गया हम तो तब से ये हमारा सिलसिला चालू गया बाद में हम एम पी के पास गए सभी जगह हमको चेंज करके देना पड़ता है तो उन्हीं के एक दो लोगों के उनके दूत लोगों को वेंकटेश महिंदे और दिगंबर चौधरी उन भेजे हमारे पास भेजे एम एल के पास भेजे हमको भी गड़बड़ मत करो बोले ठीक है भाई हमको क्या चेंज कर दो तो, हम रेडी है तो उन्हें उनको बोले कि भाई मुझे हमको टाइम दो तीन चार महीने का ऊपर का जगह मैं खरीदी करता हूँ एक करोड़ को ज़्यादा नहीं दो करोड़ ज़्यादा नहीं दो एक करते रोड को हम देंगे तुमको क्यों हो गया तो उन्हें तो तैयार नहीं है उन देने को उनकी नीयत मुझे मालूम हुई ये होता हम देखो मार्च ये बात बात हो गई थी मार्च में मार्च गया बा अप्रैल गया मई गया जून गया जुलाई गया ना पाँच महीने को देने को तैयार नहीं उनको नीयत मालूम हो गई तो उससे पहले ये जगह उन्हें एरडी का हो गया ना तो हमको दिखाने को लेके गया मुझे वी टी सिंधिया हमारे समाज के जो अध्यक्ष हैं ताजराव पाटिल और ज्ञानेश्वर मोड़े ये चार जगह उनके गाड़ी में हम सुबह सुबह जगह देखने गए देखने के बाद हम कह दें कि भाई ये हमारे जगह को पसंद नहीं है तुम तो वो जगह दिए थे दिखाए थे और तुम ये क्यों दिए अरे तुमको क्या करने का उधर भी तुमको मैं कोशिश करता कर तो तुम तो 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 कर देने का यहाँ तो दस एकड़ बीस एकड़ ले लो तुम दस एकड़ अथेंटिक और बीस एकड़ कब्जा करो तुम बोलो हम बोले ऐसा नहीं करेंगे हम हमको वहाँ चार एक्ड़ तो देना अरे बाकी का ये आठ एक्कर यहाँ कर रहें दो और मैं तो उन्हें ठीक है मैं कर तो कोशिश बोला तो मैं भी क्या बोला कि मैं मेरे समाज की मीटिंग बोला तुम्हें बोल तो भाई एम एल साहब ऐसा बोल रहे हैं कैसा करिए है? तब उस बात को क्या बोले उन्हें कि भाई तुम्हारे समाज समाज बोले तुम्हारे पास कौन है मारा डा सभी को मैं लिया लियाँ तुम्हारे समाज को क्या रहा और उससे आगे जाके क्या बोले अगर से तुम्हें चार लोग भी मेरे इलेक्शन में मुझे अपोज़ किए तो कैसा जितना मुझे मालूम है तो बोले हम गाड़ी रुकाओ तुमको मालूम है ना कैसा जितना है तो जीतो देखेंगे हमारा क्या जरूरत है और तू अगर तुझे इतना तुझे ताकत है ये है तो मेरा पा क्यों गिर भाई क्या जरूरती है तो मेरे चलती गाड़ी से उतर गया चलते बोले उतर गए गया चारों जो उतरे हम ठीक है बोले उतरे हम बाकी और ऑटो करके हम आ गए अच्छा हाँ तो यही हो गए तब तब उन्हें मुझे धमकी दिया और बाद में क्योंकि नहीं एक मीटिंग किया मैं कहा स्वामी का है ना धन्यवाद वहाँ हजार लोग को ऊपर बुलाए और उधर ही मैं अनाउंस किया था मैं फाइट करूंगा ये उन्नीस फरवरी तक अगर से ये उन्नीस फेबरुरी नहीं हुआ गए तो उन्नीस फरवरी को मैं हंगर स्ट्राइक को बैठाऊंगा वही मीटिंग में मैं अनाउंस किया था तब तक हम लड़ते हैं क्या करने का सब अगर तब तक नहीं हो गया तो मैं उपोषण को बैठूंगा हंगर स्ट्राइक को बैठूंगा अभी तो जब आ, सारी चीज़ें हो गई हैं शिव सृष्टि की स्थापना भी हो गई और वहाँ भी हो रही है जहाँ आप चाह रहे हैं तो ये तमाम चीज़ों का सहरा आप किसके सर डालना चाहेंगे मतलब किसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाए हैं हमारे एम पी साहब उसका क्रेडिट फुल भगवंत को बाजू को जाता है और किसी को नहीं है और हमारे Uh, मुख्यमंत्री साहब मुख्यमंत्री होगा कहाँ भी उन्हें वहाँ भी बोलते हैं बोलते थे लेकिन इन्हें जो चेंज करने का उन्हें जो कन्विंस करने का सीएम को क्या है और हमको कॉन्फ्रेंस में लेके तुमको ज़्यादा इतना ये मत हो जाओ फ्लर्ट मत हो जाओ मैं हूँ मैं करके देता हूँ अभी भी बोले उन्हें परसों ही बोले बिल्कुल मैं फाउंडेशन स्टोन डाल रहा हूँ इस महीने में और तुमको चालीस करोड़ रुपये देने लगा तो ये तो दस करोड़ दिए टोटल पचास करोड़ बेहतरीन बनाएंगे और एक मगर अभी यहाँ के जो विधायक हैं शनु सलगर वो अपनी कैंपेनिंग के लिए गाड़ी वो घुमा रहे हैं तो उसमें एक गाने में उन्होंने ये कहा कि वो श्री सृष्टि की स्थापना उन्होंने की है सब आप मंकी देखे मंकी वानियर बोलते हैं मराठी में हाँ वो क्या बोलता कहते मेरी गांड लाल बोलते कहते तो आप उन्हें ऐसा बोलते हैं तो मैं क्या करूँ उसके लिए बोलने दो मेरी गांड लाल बोलने दो दिखाओ वो लोगों को हमको क्या करने का कर? हम उसको देखने का नहीं है। हाँ हाँ मतलब अभी तो ये जब से सत्ता में आए हैं तभी से बसु कल्याण में कई सारी चीज़ें हो चुकी हैं अब तक ख़ासकर अगर मैं बीजेपी पार्टी की बात करूं विशेष तौर पे तो यहाँ पर कई सारे लोगों ने रेजिग्नेशन दिया इसके बाद कई सारे लोगों पर वार भी किए गए उसमें से एक व्यक्ति से मैं खुद भी मिला था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा के अभी हाल ही में रवि गुड़गुड़ की भी घटना हम लोगों के सामने आई तो आपको लगता है कि तब्दीली आई है और उनका स्वभाव कुछ जो गर्म है उसका असर दिखा है साहब आपको बोलो मैं उनका पहले से स जब हम उनको सपोर्ट करे थे ना गुलबर्गा से मेरे से मेरे पास बारह गाड़ी आए थे फॉर्चुनर गाड़ी हो भी उन्हें क्या बोलते थे साहब इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं इन्हें माफिया है ये गुंडा है क्या इसके केसेस देखो इसमें और इन्हें बोगस सर्टिफिकेट पास हो सो एस एल सी पी ओ सी पास हो सर्टिफिकेट बट हुए सो है ऐसे आदमी को तुम सपोर्ट मत करो तुमको अगर कोई उन्हें पैसे दे तो वो तो बोल रहा है तो उस तुम नए पार्टी में नहीं जाने के लिए हम तुमको पैसे देते हैं यहाँ तक बातचीत हो गई थी लेकिन ये पॉलिटिकल डिसीजन था ना कि भाई जब समाज को इतना मल, मिल रहा है एक चेयरमैनशिप मिल रहा है एमएलसी मिल, मिल रही है और ये हमारे शिवाजी महाराज पिताजी का ये हो रहा है पैसे तो कहीं मिलेंगे लेकिन ये उसकी बड़ी बात है ना वो पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से हम गए तो अभी उस वक्त का अलायंस करना शर्डनू सलगर का साथ देना अभी आपको पछतावा होता अपने फैसले में बहुत पछतावा बहुत गलती है उसके लिए माफी मांगता हूँ हमारे लोगों से कि तब हम तभी भी हमारे लोग मत जाओ के साहब को आप आप ही थे ना मीडिया काला लगाए चप्पल के हार डाले हाँ बहुत कुछ कहे कुछ तो बोले तो वो तब हमको ये लोगों का खरा लगता था लेकिन आज मुझे लग रहा है वही लोग सच थे करेक्ट थे उसलिए वो लोगों का मैं माफी मांगता हूँ हमसे गलती हो गई माफ़ करो हमको तो अभी क्या कुछ आप फैसले लेंगे पिछले चीज़ों को देखते हुए और उससे सबक हासिल करते हुए क्या कुछ इस बार नया रहेगा सर हमका तो हमारी डिमांड यही है हम एमपी साहब को बोले हम किसी को हमारे कोई लीडर नहीं है नहीं। हमारे एमपी साहब लीडर हैं उनको बोले साहब तुम टिकट चेंज करो टिकट चेंज करो तो हम कोशिश करेंगे कि बीजेपी भी का कैंडिडेट चुन के आने का अगर से तुम टिकट चेंज नहीं किए और इसको दिए हम पार्टी में रहकर हम बगावत नहीं करेंगे अपोजिशन नहीं करेंगे नहीं। हम बिल्कुल पार्टी छोड़ देंगे और जहाँ जिसके साथ जाना है जाएंगे अच्छा अब मुड़े साहब को हमारे भाई साहब को मेरा परसों ही बातचीत आए थे बातचीत हो गई तो उन्हें बोलना है भाई मुझे उन्हें एक आइडेंटिटी दिए मैं छोड़ता नहीं क्या है और तो तुम रजा मुझे क्या न मैं मेरा अलग है सोच जिस आदमी को मैं अपोज कर रहा हूँ क्या है? अगर से एम साहब हमारी बात सुने या मैं अकेला नहीं ऐसा हमारे पूरा है गुंडरुड्डी साहब है कृष्णा गुणे हैं ऐसे कई लोग हैं बातें हैं ये है हमारा सामूहिक डिसीजन रहेगा कि हम उसके साथ उन्हें अगर उसको टिकट देते हैं तो हम उसको खतरे सपोर्ट नहीं करेंगे अच्छा मतलब ये सारे लोग जितने भी एस्पायरेंट्स हैं ऑलरेडी वो भी पार्टी छोड़ देंगे अगर वापस से इन्हें टिकट दिया अब उनका क्या है मुझे मालूम नहीं लेकिन आज तो अब हम सामूहिक हैं आज तो कॉमन हम डिसीजन ले रहे तो उसमें मेरा क्या ये है कि मैं उस पार्टी में नहीं रहूँगा नहीं तो अभी मैं किसी हाथ किसी पार्टी में प्रवेश ही नहीं किया बड़े साहब के साथ ही हमारा भाई बोल के है लेकिन मैं किसी पार्टी का मेम्बरशिप नहीं लिया अच्छा आप ऑनेस्टली आप बताएं इतने सारे आस्पायरेंट्स यहाँ पर हैं चंडू सलगर को आप अगर नहीं बोल रहे हैं तो आपको पर्सनली क्या लगता है कि किसे टिकट मिलना चाहिए अगर आपकी नज़र में कोई सर बहुत लोग हैं ना अगर से मराठों में उन्हें अगर देते हैं एक डिसीजन है कि भाई बिदर डिस्ट्रिक्ट में एक तो एक मराठा देना बसोलान को देना नहीं तो भलकी को देना तो उसमें अमड़े साहब ऑलरेडी हैं है उसके अलावा हमारे अनिल भुसारिया हैं क्या है अगर से दूसरा ओबीसी में देना है तो गुंडू रेड्डी है लिंगायत में है वहाँ वातड़े हैं हमारे गुड्डा साहब हैं क्या ऐसा है जो जी हा? अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ फर्क पड़ा है जब से शंडूसलकर सत्ता में आए हैं तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ बाहर के जो लोग हैं जो बसो कल्याण के नहीं है उनको ज्यादा फायदा पहुंच रहा है ऐसी कुछ नजर आपके देखने में आई है बिल्कुल वही चाहे भ्रष्टाचार बढ़ गया है फोर्टी परसेंट अथेंटिक नहीं आदमी मैं से बोल रहा हूँ मैं सिद्ध करता हूँ कहाँ बढ़ गया उन्होंने हो तो मेरे पास केस करने दो मैं सिद्ध करने को तैयार हूँ सब रोड खराब हो गए सब स्टैंडर्ड नहीं है कुछ भी स्टैंडर्ड लेवल से नीचे है कौन करना समझो बोलो हर कितना फाइट करना हमको बोल रहे हैं उनको हम ऑफिसर को बोल रहे हैं देखो स्टैंडर्ड मत गिराओ तुम हूँ बार बार फंड नहीं आता और एक साहब बसों कल्याण ये सुकून के लिए फेमस है ये बसवेश्वर की भूमि है ये हमारे राजा बक्सर की है सदान स्वामी मठ की है यहाँ कभी भी ऐसे झगड़े नहीं हुए कभी भी ऐसा हल्ला नहीं हो गया ये पहली बार ऐसा हो रहा है कभी देखे क्या तुम्हें ऐसा कटआउट लगाने का टी वी बोलने का मैं वो क्या हूँ ये क्या हों मई क्या हो मई क्या हो और उन्हें बहुत शॉर्ट टेम्पर है साहब उसको सह नहीं जाता उन्हें इमिडिएटली अपोज होता है इमीडिएटली अगर से साहब उन्हें हुशार राजकीय रहता था तो उन्हें मेरे मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता था साहब आओ तुम्हारे विषय में एमएलए बन गया बोलो तुम्हारा क्या ठीक है जगह ही वो नहीं ना दूसरा लेंगे अगर से उन्हें पॉलिटिकल आदमी रहता था वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है वो होम है भाई ये शब्द में होम और बोलते हैं होम मालूम है सबको मेरा सच मेरा सच कुछ भी हो और उसके आगे जाके बोलता हूँ सर सा, मैं सर ये सदाना स्वामी मठ ये हमारे गोसाइं की है उसमें पैसे खा के इन्हीं इनकी बीवी साहब ये थोड़ा घोन हो उसे बीबी को हम घर को बेचते हैं देखो उसको निकाल रहे हैं पूरा केस उसमें दो करोड़ रुपए का है करो ना दो भ्रष्टाचार बहुत भ्रष्टाचार ले क्या वजह थी सब बोलो साहब उनको तो ये करने का ये करने का तो ऐसा उन्हें कर रहा है और धमकी दे रहा है किसी को भी मैं देखता बोलता है हाँ उन्हें मेरे बारे में फेल हो गया है दूसरे को सबको धमकी दे रहा है उन्हें ये गुंडोर के, केस में फेल और उन्हें जितने भी काम दिए तुम निकालो सभी काम दूसरे पार्टी के लोगों को लो दिया उसके साथ कोई भी एम एल हम बनाए काम अगर उनको दिए जो अपोजिशन में थे वो लोगों को दिए मेरा उनका यही झगड़ा है तुम्हें तो काम बोला हमारा तुम तुम वायदा किए मुझे फिफ्टी परसेंट तो बोले थे मुड़े को वो नहीं है सतीश मुड़े को नहीं है उनके समाज के लोगों को कौन से कौन से समाज को दिए अब उसको मैं वो शिवाजी पार्क में बोला ना मैं वो टू एक दिन के वही मेरा था बोलो तुम किसको काम दिए मैं मान मान लेता हूँ मान नहीं है जी हाँ तो okay. चलिए कई सारे बातें आज के इस इंटरव्यू में निकल करके आई हैं तो अभी आप सतीश मोड़े साहब को सुन रहे थे जिन्होंने अपना पक्ष अपना स्टैंड क्लियर किया है कि पिछले कुछ वक्फ़े से जब से शर्णू सलकर सत्ता में आए हैं तो क्या कुछ बसों कल्याण में चीज़ें चल रही हैं चाहे वो शिव सृष्टि की स्थापना को लेकर के हो या फिर थर्टीन अगस्त को जो एम पी भगवंत खुबा पर हमला हुआ था उस चीज़ को लेकर के हो अब ऐसे और भी कई सारे सवालत हैं और भी कई सारी गुत्थियाँ हैं जो सुलझनी हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि ऐसे कई सारे जो लोग हैं जिनके ख्याल मायने रख हैं उन तमाम के ख्याल आपके सामने लेकर के आए तो अभी सारे इंटरव्यू पर आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर रखें और अगर आपका कोई और सवाल हो तो भी आप वहीं पूछ सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इंफॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल एफ एम गाइड और